वंस अगेन फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है टैग ग्रीप। मैं हूं आपका दोस्त नवीन। आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। क्या होता है दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं और व्हाट्सएप को अपने पीसी पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और जो आपका व्हाट्सएप का क्यूआर कोड है उसको स्कैन करने के लिए जाते हैं, लेकिन गाइज अगर आपके सामने कुछ इस तरह का ये एरर आता है, नो वैलिड क्यूआर कोड डिटेक्टेड, अगर आप भी फेस करते हैं इस प्रकार की प्रॉब्लम, तो आपको हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर गाइज मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को, आपको बताते हैं किस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वही हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर जो भी मैं स्टेप आपको फ़ोन पर बताऊँगा, वो आपको आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर फॉलो करने हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, जो आपका गूगल क्रोम है उसको ओपन कर लेना है। इस तरह से गूगल क्रोम ओपन हो जाने के बाद आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि फ़ोन पर मैंने डेस्कटॉप साइट को ओपन किया है, आपको एज इट इज अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अगेन थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको सेटिंग वाला बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर ही एक ऑप्शन दिखेगा, क्लियर ब्राउजिंग डाटा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, और उसके बाद नीचे से इसका करना है आपको क्लियर ओल्ड डाटा। जैसे ही आप इसका यहाँ से क्लियर ओल्ड डाटा करेंगे तो यहाँ से बिल्कुल आपको बैक आ जाना होगा। फिर आपको जो आपका फ़ोन है, जो आपका एंड्रॉयड है, इस पर स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। राइट साइड में ऊपर की तरफ थ्री डॉट्स देखने को मिलेंगे, इन पर टैप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन दिखेगा, लिंक डिवाइस। आपको सेटिंग पर क्लिक नहीं करना है, लिंक डिवाइस पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ लिंक के डिवाइस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो आपका पासवर्ड होगा या फिर जो आपने फिंगर अटैच कर रखी होगी वो यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ से ओके प्रेस कर देना और जो कोड है उसको स्कैन कर देना है, जिसके बाद गाइस जो आपकी प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी और आपको इस तरह का कोई भी इशू नहीं आएगा, और जो आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएगा ईजिली ही। तो दोस्तों आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।